रायबरेली में 20 मई को पांचवें चरण को होने वाले लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर स्वीप योजना के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सुपरमार्केट से वाहन रैली निकाली गई, जिसको मुख्य विकास अधिकारी पूजा यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन रैली मुख्य चौराहा जैसे जिला अस्पताल चौराहा, GIC स्कूल, कहारों का अड्डा, जहानाबाद चौकी, त्रिपुला चौराहा, रतापुर चौराहा से होते हुए शहर के सभी 34 वार्डों में जाकर लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करेगी। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मौजूद लोगों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। वाहन रैली में नगर पालिका, बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, पुलिसकर्मी, पंचायती राज सहित हजारों लोगों ने भाग लिया। लोकसभा चुनाव में कम मतदान प्रतिशत को लेकर चुनाव आयोग पहले भी चिंता जता चुका है। अभी 20 मई को जनपद रायबरेली में मतदान होना है, तो उसी के क्रम में स्वीप का कार्यक्रम आज शहरी क्षेत्र में किया गया है। तो ये कार्यक्रम नगर पालिका के द्वारा किया गया है। यहाँ के सभी वार्ड में हमारी एक बुलावा टोली अभी जा रही है, वो हर घर जाएगी और ये बताएगी कि 20 तारीख को मतदान है। उनको एक पैम्फलेट भी देगी जिससे कि सब लोग जागरूक हों और 20 तारीख को वोट करने के लिए आएँ। इसके साथ साथ एक वाहन की भी जागरूकता रैली यहाँ से निकाली गई है, जो पूरे शहर को कवर करेगी और जागरूकता का संदेश देगी। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सबको यही अपील करूंगी कि सब लोग 20 मई को बूथ पर पहुंचे और अपना जो अमूल्य वोट है उसे ज़रूर वहां पर दें। धन्यवाद। देखते रहिए DB भारती समाचार, नज़र हर खबर पर।